तो दोस्तों डिजिटल आयुष्मान मिशन के तहत एक बहुत ही अच्छी अपडेट लाई गई है। अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं तो आप अपने इस वैक्सीन सर्टिफिकेट से अपना हेल्थ आईडी कार्ड बना सकते हैं और अपने इस हेल्थ आईडी कार्ड को इस वैक्सीन सर्टिफिकेट से लिंक कर सकते हैं। इससे होगा क्या, एक तो आप कहीं पर विजिट करते हैं तो आपको अपना ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ अपनी हेल्थ से रिकॉर्डिंग जो सारा रिकॉर्ड है वो आप इस हेल्थ आईडी कार्ड में सेव कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस प्रकार आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट से किस प्रकार अपना हेल्थ आईडी कार्ड बनाएंगे, किस प्रकार अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को इस हेल्थ आईडी कार्ड से लिंक करेंगे और किस प्रकार अपने इस हेल्थ आईडी कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप वीडियो में लगातार बने रहे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, आपके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे और जेन्युइन कंटेंट लेकर आ रहा हूं फिर भी सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं वो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कोविड रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपके पास में मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। आपने कोविड रजिस्ट्रेशन के टाइम जो नंबर दिए थे वो नंबर आपको यहां पर फिल करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो आप जैसे मोबाइल नंबर फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की जाएगी। तो आपको ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करके जैसे प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप यहां पर देखोगे आपके नंबर से कितने कोविड के रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, उन सभी की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। जैसे हमारे केस के अंदर हमारे मोबाइल नंबर से 2 कैंडिडेट का कोविड रजिस्ट्रेशन होके रखा हुआ है, तो हमारी यहां पर 2 कैंडिडेट की लिस्ट खुलकर आ चुकी है। और आप यहां पर देखोगे हमारे दोनों कैंडिडेट का जो दोनों टीके हैं वो यहां पर लग चुके हैं। टीके के सामने आप यहां पर देखोगे सर्टिफिकेट, तो सिंपली आप जैसे सर्टिफिकेट पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे आपका कोविड रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन यहां पर आ चुका है। आप जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपका कोविड रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। दोस्तों अब आपको ये कोविड रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है ये आपको साथ में रखने की जरूरत नहीं है। मैं जो प्रोसेस आपको बता रहा हूं बस उस प्रोसेस को फॉलो करिए। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में आपके पास में मात्र आपकी जो हेल्थ आईडी कार्ड है उसी में जो कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो लिंक हो जाएगा और मात्र आपको आपकी हेल्थ आईडी आपके साथ में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप यहां पर देखोगे कैंडिडेट का नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, जिस कैंडिडेट का आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। पर अब इस नाम के सामने एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। आप यहां पर नीचे देखोगे क्रिएट ABHA, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहां पर अब आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आप जैसे आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अभी यहां पर कैंडिडेट के आधार नंबर आपको फिल करना है। जिस कैंडिडेट का आप हेल्थ आईडी कार्ड बना रहे हैं, कोविड सर्टिफिकेट लिंक कर रहे हैं, उस कैंडिडेट के आपको आधार नंबर यहां पर फिल कर देने हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आधार नंबर फिल करके जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड की गई है। तो सिंपली आपको ओटीपी को यहां पर फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करके जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर देखोगे यहां पर लिखा हुआ रहा है योर ABHA नंबर हैज बीन जनरेट सक्सेसफुल, यानी कि आपके जो ABHA नंबर है वो यहां पर सक्सेसफुली जनरेट हो चुके हैं। आपको यहां पर एक नंबर भी दिखाई दे जाएंगे, तो सिंपली इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है या फिर इस नंबर की एक पिक्चर आपको क्लिक कर देनी है। इसके बाद में इस पेज को एक बार वापस से बैक आपको कर देना है और बैक करने के बाद में आप यहां पर देखोगे आपकी वापस से लिस्ट खुल जाएगी जितने कैंडिडेट की यहां पर कोविड रजिस्ट्रेशन होके रखा हुआ है। तो जिस कैंडिडेट का आपने ABHA नंबर जनरेट किया है उस नाम के सामने आप यहां पर देखोगे आपको वो नंबर दिखाई दे जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं ABHA नंबर और यहां पर आपको नंबर दिखाई दे जाएंगे, यानी कि आपके जो नंबर है वो यहां पर जनरेट हो चुके हैं। और इसके सामने आप यहां पर देखोगे लिंक ABHA एड्रेस, यानी कि अब आपको इस नंबर को कोविड रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है उससे आपको लिंक करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको लिंक ABHA एड्रेस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां पर
पर देखोगे एक नया पेज खुलकर आ चुका है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल कर देना है, इसके बाद भी आपको वापस से एंटर आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करके सिंपली आपको लिंक ABHA एड्रेस पर क्लिक करना है। तो आप अपने आधार नंबर फिल करके जैसे ही लिंक ABHA कार्ड पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे फिर से आपके आधार कार्ड पर एक OTP सेंड कर दी जाएगी। तो सिंपली आपको OTP को यहाँ पर फिल करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। आप जैसे ही वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे तो आपका जो कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपके हेल्थ ID कार्ड से लिंक हो जाएगा। यहाँ पर अभी सर्वर इश्यू है, यहाँ पर ये नया लिंक जोड़ा गया है तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कर लेनी है। आप जैसे OTP फिल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इनवैलिड OTP बता रहा है, तो आपको रेगुलर यहाँ पर थोड़ी दिन ट्राई कर लेना है, शायद यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाएगा, तब यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से काम होने लग जाएगा। तो चलिए, मैंने बार बार कोशिश करने के बाद में मेरा जो एक हेल्थ ID कार्ड है वो मेरे कोविड सर्टिफिकेट से लिंक हो चुका है और मेरी हेल्थ ID कार्ड भी यहां पर जनरेट हो चुकी है। तो आपका भी कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, अगर हेल्थ ID कार्ड से यहां पर लिंक हो जाता है, वेरीफाई OTP हो जाती है, तो आप किस प्रकार अपने हेल्थ ID कार्ड को डाउनलोड करोगे, तो इसके लिए सिंपली आपको वापस से इस वेबसाइट पर आ जाना है और आपको क्या करना है, यहाँ पर ABHA हेल्थ ID कार्ड पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आप एक नई वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपको यहाँ पर एक लॉगिन वाला बटन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ABHA एड्रेस, तो सिंपली आपका जो एड्रेस जनरेट हुआ था अभी मैंने आपको दिखाया था वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है और IM नो रोबोट पर क्लिक करके सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर PHR एड्रेस फिल कर दिया है और इसके बाद में सिंपली हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉग इन विथ आधार OTP, लॉग इन विथ मोबाइल OTP। तो चलिए हम यहाँ पर लॉग इन विथ आधार OTP लेकर लॉग इन करते हैं। तो सिंपली हम लॉग इन विथ आधार OTP पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में हमारे आधार पर फिर से एक OTP आएगी। OTP फिल करके सिंपली हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। OTP फिल करके जैसे हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे योर ABHA कार्ड हैज बीन जनरेट सक्सेसफुल, यानी कि हमारा जो ABHA कार्ड है वो यहाँ पर जनरेट रेट हो चुका है और आपका जो कार्ड है वो कुछ आपको इस प्रकार दिखाई दे जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूं, इस कार्ड के अंदर आपका जो कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब आप कहीं पर विजिट करते हैं तो आपका कोविड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर आपका जो कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लिंक हो चुका है। अब आप कैसे पता करें कि आपका कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो आपकी इस हेल्थ ID कार्ड से लिंक हो चुका है, तो आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन माई बेनिफिट्स, तो सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं योर करंट बेनिफिट कोविड प्रोग्राम फॉर कोविड वैक्सीन, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है इस हेल्थ ID कार्ड में कि आपका कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो इससे लिंक हो चुका है। अब आपको कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट साथ रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अब आपको यही ID साथ में रखने की जरूरत है। आप अगर आप ये ID दिखाते हैं तो इसी ID को आपका कोविड रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट माना जाएगा। बाकी आपको ये जो बार कोड दिखाई दे रहा है, इस बार कोड को स्कैन करने से आपकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर नीचे आप डाउनलोड ABHA कार्ड पर क्लिक करके इस कार्ड को आप इजिली डाउनलोड करके आप इस कार्ड को अपने पॉकेट में रख सकते हैं और कहीं पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी आपका कोई कंफ्यूज या कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नए हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।